अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज रिहान फैसल एंड यू आर वाचिंग विलेज एंड टूर व्लॉग। आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज में हमारे घर मामू आए हैं, उनकी बेटियां भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने ज़री फार्म जाना है, इसलिए मामू उनको ज़री फार्म लेके जा रहे हैं और मैं भी साथ जा रहा हूँ ताकि मैं उसकी वीडियो भी बना लूँ। और उनके साथ बहुत मज़ा करने वाले हैं वीडियो में, और इसलिए हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आए ज़री फार्म चलते हैं। दोस्तों आज हम आए अपने ज़री फार्म में क्योंकि मेरी मामू की जो बेटी है उन्होंने कहा था कि हमने ज़री फार्म देखना है, वो फोटो पास दे रहे हैं। वैसे ही हमसे मिलने के लिए आए थे और उनकी बेटी का हमें ज़री फार्म देखना है और वो हम ज़री फार्म देख रहे हैं। वो देखिए सामने उनकी बेटी की जोया आ रही है, उनसे कुछ बात करते हैं, उनको कितना मज़ा आ रहा है जो ज़री फार्म में आकर इनसे कुछ पूछते हैं। जोया दरा कुछ बात करनी है हमने आपसे, आपको कितना मज़ा आ रहा है इस व्लॉग में? अच्छा मज़ा आ रहा है आपको ज़री फार्म में आके? बहुत मज़ा आ रहा है, हमारा दिन नरम अच्छा हुआ है ना, अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा हो गया। और माशाल्लाह आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय इसी तरह इंजॉय करते रहे हैं। और हम वो देखे हमारा सामने छप्पर होटल, जिसे भाई दानी और अंकल मुनीर ने इनका नाम रखा है छप्पर होटल, और वहाँ पड़े हमारे पाठे यानी पट्ठे जो चारे के लिए होते हैं गाय जानवर के चारे के लिए। वो देखे वहाँ पे जो भाई दानी के जो पापा हैं वो यहाँ पर छुटाई ऐसे ही करते हैं मेरे ख्याल से, जो हम नरमे को अलग-अलग कर रहे हैं, ऐसे ही फासले फासले से लगा रहे हैं। अब देखिए जैसे कि ये साथ जुड़ा हुआ है नरमा, इसको एक उतार के मतलब जो फासले के साथ, जैसे ये देखिए इतना फासला नरमे के बीच होता है, यहाँ तो उन्होंने छुटाई कर लिया, देखें कितना फासला है नरमे के अंदर। इसे जाके फिर नरमा ना ख़राब हो जाता है, और वो देखे मामा मामू के पास जाते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। इसी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर खाद डाली थी, कौन सी, यूरिया, नाइट्रोफास, पोटाश, ये तो आपके भाई जो अंकल मूसा है उन्होंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी पिछले व्लॉग में। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा वो प्लीज़ देखें ताकि आपको ये जो नरमे की जो खाद की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके अगर आपको नहीं पता। और मैं अपने फेसबुक पे इंजॉय कर रहे हैं पहली बार, वो देखें वो ज़री फार्म में आए हैं तो मामू की बेटियाँ, एक नाम जोया, एक नाम हादी और एक नाम उसवा है। वो देखे उसवा वो छोटी है, ये हादी है वो जो बड़ी जोया। अब मैं यहाँ बैठ के आपको सारा जो सीन है वो दिखाता हूँ। और अब हम चलते हैं अमरूद के बाग, अमरूद के बाग की तरफ आ चुके हैं। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि अमरूद खा, अमरूद के बाग में जाकर लेकिन तब पानी लगा था, इसलिए अब हम चलते हैं अमरूद के बाग की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह अमरूद का बाग हमारा नहीं है, किसी का है, हम उसे इजाजत ले ली कि हम इसके अंदर आ सकते हैं, उनके जाए आप व्लॉग बना लो। और अब हम आ चुके हैं अमरूद के बाग की तरफ, हमारे घर भी अमरूद लगे लेकिन देखते हैं यहाँ पे अमरूद लगा, ये देखें ये देखें छोटा सा अमरूद लगा हुआ है, ये देखें वो देखें वो इधर आई होगी है अमरूद के बाग में, देखें इधर भी अमरूद छोटे छोटे अमरूद लगे हैं, ये देखें कोई बड़ा अमरूद नहीं लगा। अब जैसे कि अमरूद का अब सीज़न नहीं है, अब थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीज़न आएगा अमरूद का, फिर वो जो अमरूद हैं वो उगेंगे फिर उसे हम खाएँगे। यहाँ से ये पापा ने और मेरे पापा के दोस्त हैं उन्होंने ये मिलकर ये जो बाग है वो बनाया, इसलिए अमरूद हम भी थोड़ा रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, कभी सेल कर देते हैं, ये सारा बहुत मज़ा आता है। और इसके अंदर देखें कितना मज़ा आता है ना, बहुत ठंडी है, बहुत इतनी गर्मी लग रही है हमें, वैसे बहुत गर्मी लग रही है लेकिन आपके लिए हम व्लॉग बना, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर रजो आप एक रेस लगाओ आप और फुरकान, कहाँ तक मैं आपको बता दूंगा ताकि लोग भी देख सकें आप कौन, आप में से कौन जीते लड़का या लड़की। दोस्तों अभी दोनों रेस लगाएंगे, वो देखें आखिरी जो यहाँ पर वो आखिरी बनना है ना वहाँ तक रेस लगानी, देखते हैं कौन जीते। फुरकान आ जाओ रेस लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है, मेरा भाई फुरकान या मेरी कज़न। रुको अभी मैं रेडी स्टेडी गो तो कर लूँ, पहली भागने लग गया, चलो रेडी स्टेडी उबरा ओ बुरगो रास्ते का पता है ना, वो आखिरी वाला देखा लुफकान बना उधर, वो देखो वो वाला, हाँ वो आखिरी वाला, वहां तक रेस लगानी है, इधर आ गया हो, रेडी स्टेडी गो। वो दोनों भाग चुके हैं, अभी पानी है, ओ आगे पानी है, रुको ये तो देखा ही नहीं हमने, गौर ही नहीं किया दोस्तों, हमने गौर ही नहीं किया आगे पानी है। वो देखो फुरकान के सारे पैर गंदे हो गए, जब कहना आगे वो टूल में जो पानी है ना उसमें हम कर लेंगे। दोस्तों आई एम सॉरी हम रेस नहीं लगा पाए क्योंकि आगे पानी है, वो गौर भी नहीं किया। वो देखे जोया के अभी पैर गंदे, मेरे भी पैर गंदे हो रहे हैं,
मछली है अंदर, मेंढक होगा। तो सीन देखें झूला लगा हुआ है। किधर है मेंढक? कहाँ है मेंढक? अभी अंदर से होगा। मछली तो नहीं होगी, तुम दिखे टुकड़ा भी बंद है। अब जूती तो उधर पड़ी है, अब क्या करे? वो कीचड़ ही बहुत है, मैं खुद बच बच के आया हूँ। कुछ नहीं होता। और दोस्तों मामू शायद जा रहे हैं जूती लेने के लिए, कि बहुत कीचड़ है। और कीचड़ ही बहुत है, हम रेस कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पानी है। हम भाग गए सीधा, वो बाहर में पता चला था। वो उधर है, वो अगले बने थे। संभल संभल के जाना पड़ेगा, बहुत कीचड़ है। किधर गई थी किसी? वो उधर उधर इधर आ जाए। इसी तरफ से वो बड़ी वो बड़ी वो बड़ी ये मेरी जूती का है। जूती हो गई है, इसको खोल जाएंगे। इसलिए तो मैं उतरा। दोस्तों ने जूती ले ली थी दिखाना फिर काम की। मेरे भी कप जूती गंदी हो गई थी। ये हमारा कैमरामैन जो अभी झूला ले रहे हैं, रेहान फैसल, और उसके पीछे खड़ी है मेरी बेटी जोया शाहिद। तो हम पैर धोले बहुत गंदे हुए, ये इनके पैर देखे बहुत गंदे हो चुके हैं। अब देखने ये किस तरीके से पांव वॉश कर रहे हैं। मैंने भी करना था, कैमरा पकड़ो फुरकान। जूती कहाँ से है? यहाँ से ना रही, गंदा हो जाएगा पानी। ये देख रहे हैं मेहनत लगती है। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। देखो मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ दोस्तों। ओ फुरकान गिर गया, फुरकान फैसल गिर गया अंदर। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं देसी मोल गांव का। नहालो, नहालो। अब हम वो अपनी अपनी रामगढ़ की तरफ चलते हैं। मामा वो नहीं लेना, अपना वो तो दो हाथ में करो। इस तरफ से यहाँ से चलो ना। ये अब हम जा रहे हैं अपने छप्पर होटल पे।
और ये अभी जोया और रेस लगाने लगे हैं और फुरकान फैसल, देखते हैं कौन जीते है। वो देखें रेहान फैसल पहले पहुंच गया है और जोया हार गई है। तो हम टूबल की तरफ चल रहे हैं और देखें फुरकान यहाँ से आ रहा है दूसरे उसके। हाय फुरकान, दूसरे क्या फुरकान। और दोस्तों अब हमारी यहाँ वीडियो होती है खत्म, अब हम टूबल जाएंगे वहाँ से पानी पी के, फिर अपने मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल पे घर चले जाएंगे और फिर वहाँ पर हमारा व्लॉग है वो जगह ख़त्म। इसलिए अभी थोड़ा सा हमारा रह गया वीडियो एक दो मिनट की, वो ज़रूर देख लो। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक नहीं कर दें। ये बकरियों ने खाया, बकरी ये वो क्या है पता नहीं किसकी बकरियाँ थी उन्होंने खाया सारा, पता नहीं वो यहाँ बकरियाँ छोड़ देते हैं वो डेरे वाले, पता नहीं कहाँ से बकरियाँ आई खा जाती हैं और इन्हें बकरियाँ पकड़ के रख ली हैं। अब वो आएगा फिर उनको कहेंगे, हाँ बकरियाँ पकड़ ली ये हर हफ्ता आ गया हुए हफ्ता आया तो खा जाती थी। अब पता नहीं पापा को पता हो, अब बात कर रहे थे मैं इधर से आ जाओ आ जाओ घर जाने लगे। रास्ता पता नहीं दिया था इतनी सारी वो बनी वहां से भाग गया था। कोई बात नहीं, क्या हुआ? तो कुछ नहीं होता, हमें तो कोई ट्रॉफी वगैरह मिलनी तो वैसे हमने फन के लिए रेस लगाई थी। पापा जी का मैं ना हारी दोया रोई थी कि मैं आप इतने बड़े हो आप मुझसे जीत गए, उसे नहीं रोया ना, ऐसे नहीं करते होते। और दोस्तों टूवेल्व में आ चुके हैं और ये देखे मोटरसाइकिल खड़े हैं, मोटरसाइकिल की तरफ घर जाने लगे हैं। इसलिए हमारी वीडियो हो चुकी है यहाँ पर ख़त्म। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर दें, उस दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब हमें जाए लेकिन उससे पहले एक को बहुत अहम बात, अगर आप कोरोना वायरस का पता है कोरोना वायरस वेरी डेंजरस, प्लीज़ वियर मास्क बिकॉज मास्क इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ इन कोविड 19 सिचुएशन। प्लीज़ वियर मास्क। गुड बाय, हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।